फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। लहसुन एक जड़ी बूटी है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये वास्तव में कई प्रकार की बीमारियों को रोकने और इलाज में काफी कारगर होता है। इसकी गंध बहुत ही तेज और स्वाद तीखा होता है। लहसुन में एलिनियम नामक एंटीबायोटिक होता है जो बहुत से रोगों के बचाव में लाभप्रद है। नियमित लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने की बीमारी नहीं होती। एसिडिटी की समस्या में इसका उपयोग बहुत ही लाभदायक होता है। खाली पेट लहसुन का सेवन करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और ये बेहद मजबूत प्राकृतिक एंटीबायोटिक बन जाता है। दोस्तों, लहसुन उच्च रक्तचाप के लक्षणों से वास्तव में आराम पहुँचाता है। ये न केवल रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है बल्कि विभिन्न प्रकार की हृदय संबंधी समस्याओं से भी बचाता है और आपके लिवर और ब्लैडर के सभी कार्य भी ठीक से होते हैं। लहसुन पेट की समस्याओं जैसे डायरिया के इलाज के लिए कारगर होता है। साथ ही ये तंत्रिका की समस्याओं के लिए भी अद्भुत उपाय है, लेकिन तब जब लहसुन का सेवन खाली पेट किया जाए। लहसुन दुनिया के हर हिस्से में अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए लोकप्रिय है। इसी मुख्य कारणों से वर्षों से लोग इसे एक औषधि के रूप में जानते हैं। लहसुन पेट की समस्याओं के उपचार में वास्तव में बहुत प्रभावी है। ये अच्छे पाचन और भूख को बढ़ाने में मदद करता है। लहसुन के सेवन से पेट के तनाव को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और इस तरह से घबराहट के कारण शरीर में बार बार पैदा होने वाले एसिड का उत्पादन बंद हो जाता है। लहसुन डिटॉक्सिफिकेशन गुणों के कारण वैकल्पिक चिकित्सा में सबसे कुशल खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। लहसुन इतना शक्तिशाली होता है कि ये परजीवी और कीड़े से शरीर को साफ करता है और मधुमेह, अवसाद और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो दो महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो इसका सेवन कच्चा ना करें, दूसरा किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधी समस्या, शरीर का उच्च तापमान और सिर दर्द होने पर इसका सेवन बंद कर दें। HIV/AIDS के लिए दवा लेने वाले रोगियों के लिए लहसुन का सेवन कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए इस विशेष स्वास्थ्य समस्याओं के होने पर आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। लहसुन श्वसन तंत्र के लिए अच्छा होता है। ये TB, दमा, निमोनिया, सर्दी, ब्रोंकाइटिस, पुरानी ब्रोंकियल सर्दी, फेफड़ों में संक्रमण और खांसी की रोकथाम और इलाज के लिए अच्छा होता है। ट्यूबरकुलोसिस की समस्या होने पर सुबह खाली पेट लहसुन खाना बहुत फायदेमंद होता है। दांत के दर्द में लहसुन का सेवन फायदेमंद होता है। यदि कीड़ा लगने से दांत में दर्द हो तो आप लहसुन के टुकड़ों को गर्म करें और उन टुकड़ों को दर्द वाले दांत पर रखकर कुछ देर तक दबाएं। ऐसा करने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा में सुबह उठकर गर्म पानी के साथ लहसुन और प्याज का रस पीने से फ्लू से निजात मिलती है। लहसुन पूरी तरह से एंटीबायोटिक है, इसलिए फोड़े होने पर लहसुन को पीसकर उसकी पट्टी बांधने से फोड़े मिट जाते हैं। टीबी और खांसी जैसी बीमारियों को दूर करने में लहसुन लाभकारी है। लहसुन के रस की बूंदों को रुई में भिगोकर सूंघने से सर्दी ठीक हो जाती है। लहसुन के नियमित सेवन करने से आपको कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं और ये आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इनकी हीलिंग गुणों को नियमित इस्तेमाल करने से आप कुछ ही दिनों में यकीनन अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार देखने लगेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।